हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग हियर द सेकेंड लेसन ऑफ ईवीएस बुक ऑफ क्लास थर्ड विच इज अवर बॉडी पार्ट्स। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास थर्ड का ईवीएस का सेकेंड लेसन अवर बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अंग। स्टूडेंट्स, we have completed the first lesson and its question answer. We have also completed the second lesson. हम लोग second lesson भी complete कर चुके हैं in the previous videos, पहले के video में। Students, I hope you have completed your written work of class of lesson one in your notebooks. आपने अपनी नोटबुक्स में जरूर फर्स्ट लेसन का जो भी रिटर्न वर्क मैंने दिया है वो जरूर किया होगा, मैं आशा करता हूँ। एंड वी आर डूइंग टुडे द सेकेंड लेसन क्वेश्चन आंसर। आज हम कर रहे हैं सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर वी हैव टू रीड द रिमेम्बर पॉइंट। आज हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे रिमेम्बर पॉइंट सो दैट we will able to recall the lesson, we will summarize the lesson once in our mind, ताकि हम लोगों के दिमाग में एक बार इसकी summary, एक बार इसका संक्षेप में सार आ जाए अपने दिमाग में इस lesson का। So we have to read these remember points, इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन remember points को। Point number one is our body has many parts। हमारी बॉडी रखती है बहुत सारे पार्ट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। नंबर टू, हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, चेस्ट, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन। हेड मींस सिर, आईज मींस आंखें, ईयर मींस कान, नोज मींस नाक, माउथ मींस मुंह, नेक मींस गर्दन, चेस्ट मींस छाती, एब्डोमेन मींस पेट एंड लिम्स यानी ऊपर के हाथ और नीचे के पैर। आर द एक्सटर्नल पार्ट्स, ये अतिरिक्त या बाहर के पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स का मतलब है जो पार्ट्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के। दीज कैन बी सीन, इनको देखा जा सकता है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से इन पार्ट्स को बाहर से देखा जा सकता है। द पॉइंट नंबर थ्री इज, तीसरा पॉइंट है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स, लीवर एंड किडनीज। ब्रेन मींस मस्तिष्क, हार्ट मींस हृदय, लंग्स मींस फेफड़े, स्टोमक मींस पेट, इंटेस्टाइन यानी आंतें, लीवर मींस यकृत एंड किडनीज, और हमारी जो किडनीज है आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं। इंटरनल पार्ट्स यानी अंदर के पार्ट्स हैं। दीज कैनॉट बी सीन, ये इनको देखा नहीं जा सकता। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन, ये हमारी लेसन के मेन पॉइंट्स थे। नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज, और अब हमें एक्सरसाइज करनी है। यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द लेसन नेम विद ए न्यू पेज, आपको एक नए पेज पर लेसन का नेम मेंशन करना है और उसके बाद उसका नंबर मेंशन करना है, लेसन नंबर टू। एंड यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक फ्रॉम हियर, यहां से आपको स्टार्ट करनी है अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर ए है टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे सही का निशान लगाएं। नंबर वन, द हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन आर, जो सिर है, चेस्ट यानी सीना है और एब्डोमेन मींस पेट है, ये किस तरह के ऑर्गन्स हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल, ऑप्शन नंबर थ्री सेंस ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स, ये जो हेड, चेस्ट और एब्डोमेन है, ये तीनों ही एक्सटर्नल हैं, बाहर से दिखाई देते हैं। ये हेड यानी सिर, चेस्ट यानी सीना और एब्डोमेन पेट, ये तीनों ही बाहर से दिखाई देने वाले पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाएंगे। सो ए इज द राइट आंसर हियर, यहां पर ए राइट आंसर है। यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन बिटवीन टू एवरी ईच क्वेश्चन एंड आंसर,
प्रत्येक क्वेश्चन आंसर के बीच में आपको एक ब्लैंक लाइन जरूर छोड़नी है, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर टू, किडनीज, किडनीज यानी जो हमारी यूरिन बनाने वाली किडनीज है जो अपने हिप्स के अंदर होती है, हार्ट यानी हृदय, ब्रेन मींस मस्तिष्क एटसेट्रा आदि, आर अवर, ये कौन से, ये क्या है? हमारी किडनीज, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं ये तीनों ही हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये हम पढ़ चुके हैं लेसन में। देयर आर ऑप्शंस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इज लोअर लिम्स, बी इज अपर लिम्स एंड सी इज इंटरनल पार्ट्स। दीज ऑल आर इंटरनल पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स, ये सारे ही इंटरनल पार्ट्स हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं। सो सी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर सी थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इनमें से कौन सा हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन यानी अंदर का अंग नहीं है? हार्ट, लंग्स, स्किन। हार्ट और लंग्स तो अंदर ही होते हैं बॉडी के, लेकिन स्किन जो होती है, जो चमड़ी, जो त्वचा होती है, वो बाहर होती है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन से ऑर्गन फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से वेस्ट को यानी कचरे को साफ करके बाहर यूरिन के रूप में कौन निकालता है? ब्रेन, किडनीज, लीवर। तो किडनीज ये काम करती है जो यूरिन बनाने का काम है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम है, ये किडनीज करती है। तो बी इज द राइट ऑप्शन हियर, यहां पर बी राइट ऑप्शन है। लेट्स गो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल कीजिए विद द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड्स दिए गए उनकी हेल्प से। विच वर्ड्स आर गिवन हियर, कौन से वर्ड्स यहां दिए गए हैं? हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़े, लिम्स यानी ऊपर के हाथ, नीचे के पैर, और हेड मींस सिर। द हैज ears, eyes, nose and mouth, कौन रखता है ears, eyes, nose and mouth, ये किसके होते हैं, कौन रखता है ये सब? तो head जो होता है, हमारे जो head यानी सिर जो होता है उसमें ये सब होता है। ears भी उसमें होते हैं, eyes भी उसमें होती है, nose और mouth भी उसमें होते हैं। so you have to fill head in the first blank में आपको head भरना है। number two, arms and legs are called, आर्म्स यानी भुजाएं और लेग्स यानी पैर आर कॉल्ड कहे जाते हैं। आर्म्स यानी भुजाएं और लेग्स यानी पैर, तो ऊपर की दोनों भुजाएं और नीचे के दोनों पैर, इनको कहते हैं लिम्ब्स। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा इस लेसन में लिम्ब्स कहते हैं इनको, LIMBS, लिम्ब्स यहां पर फिल करना है। नंबर टू ब्लैंक्स में आपको लिम्ब फिल करना है। नंबर थ्री, द पंप्स ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है, धक्का देता है थ्रू आउट अवर बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड को पंप करता है यानी उसको धकेलता है और उसको चलाता है। तो कौन है ये? हार्ट होता है, हृदय जो होता है, दिल जो होता है हमारा, वो ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको फिल करना हार्ट, HEART। नंबर फोर्थ है, द हेल्प्स अस, हमारी हेल्प करता है इन ब्रीदिंग, सांस लेने में। सो लंग्स, वी हैव टू फिल द लंग्स हियर, यहाँ पर हमें लंग्स फिल करना है। लंग्स यानी फेफड़े, वो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। सो यू हैव टू फिल द लंग्स इन द फोर्थ ब्लैंक में आपको लंग्स फिल करना है। देन यू हैव टू लीव वन लाइन ब्लैंक, उसके बाद आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर सी, अब है क्वेश्चन नंबर सी, आंसर दीज क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स क्या हैं? गो टू द एक्सटर्नल पार्ट, आइए चलते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स की तरफ। वी हैव टू राइट शॉर्ट समरी अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को लिखना है। यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप लाइन, यहां पर जो टॉप लाइन आपको दिख रही है लेफ्ट में, उससे आपको लिखना है। पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी
विच कैन बी सीन, जो बॉडी के पार्ट्स देखे जा सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स, इनको एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं. हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स एंड लिम्स आर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. ये आंसर है इस क्वेश्चन का. इसमें डेफिनेशन भी आ गई है, परिभाषा भी आ गई है एक्सटर्नल पार्ट्स की, और यहाँ पर नेम्स भी आ गए हैं एक्सटर्नल पार्ट्स के. सो यू हैव टू राइट दिस आंसर फ्रॉम हियर. यहाँ से आपको ये आंसर लिखना. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू इज, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर इंटरनल बॉडी पार्ट्स. किन्हीं चार इंटरनल बॉडी पार्ट्स के नेम लिखिए. यू कैन राइट दीज नेम्स फ्रॉम दिस थर्ड रिमेंबर पॉइंट. आप इस थर्ड वाले रिमेंबर पॉइंट से भी लिख सकते हैं ये चार नाम. इंटरनल बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं आपको ओनली, तो आपको ये थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर रिमेंबर वाले में, जो थर्ड पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं इसमें. ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड किडनीज आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये आप लिख देते हैं तो इसमें फोर पूछे हैं, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, सारे ही आ जाएंगे. सो यू शुड राइट द आंसर फ्रॉम हियर. इसलिए आपको यहां से इसका आंसर लिखना है. यू कैन राइट द थर्ड रिमेंबर पॉइंट फॉर दिस आंसर. इस आंसर के लिए आपको ये थर्ड रिमेंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई थिंक आई शुड नॉट गिव यू द मच वर्क एज यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट दैट. जितना आप नहीं कर पाएंगे उतना वर्क मुझे नहीं देना चाहिए. सो आई एम गिविंग यू ओनली द वर्क अप टू हियर. इसलिए यहीं तक का वर्क मैं आपको आज देना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन डू द वर्क इन ए प्रॉपर वे एंड ऑल्सो लर्न दैट आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, प्रॉपर वे में कर सकें और उसको लर्न भी कर सकें. इसलिए मैं यहीं तक का वर्क आज आपको दे रहा हूँ. यू हैव टू डू द रिटन वर्क अप टू हियर. आपको यहीं तक का वर्क करना है अप टू क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ तक आपको करना है. वी विल डू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है हम करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में. वी विल आल्सो ट्राई टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन इन नेक्स्ट वीडियो. अगला लेसन भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में. सो स्टूडेंट्स, प्लीज डू योर रिटन वर्क प्रॉपरली एंड बी कंटिन्यू अबाउट दिस वर्क. लगातार अपना रिटन वर्क कंप्लीट करते रहिए अपनी नोटबुक में और उसको लर्न भी करते रहिए. ओके स्टूडेंट्स, इट इज सफिशियंट फॉर टुडे. सी यू एंड बाय.